Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 to 4 सोल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो हम सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 114. क्वेश्चन नंबर 2. इफ 2x + y = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 13. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 2y - 7x = -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 3. ठीक है, यहाँ पे भी y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे भी y की वैल्यू फाइंड करनी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 7y - 10x - 70 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = -1. यानी कि आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और आपने सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपने करना क्या, सिंपल आपने क्या करना है कि जो वैल्यू गिवन है, लाइक यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम x 13 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर भी x की जगह पर 3 वैल्यू पुट होगी और यहाँ पर y की जगह पर -1 पुट होगा और हम x की वैल्यू का आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ओके, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. एक्सरसाइज 2.17 है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. 2x + y = 4, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. वेयर आपने करना क्या है कि आपके पास x = 13 है. सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर x की वैल्यू 13 है. हम इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ पर x की जगह पर 13 पुट करेंगे प्लस y एज इट इज़ इक्वल टू 4 भी एज इट इज़. इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 26 + y = 4. हमें क्या चाहिए, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें एक साइड पर अकेला चाहिए, सिंगल चाहिए. ठीक है, तो आपके पास जो भी चीज़ होगी, चाहे वो कॉन्स्टेंट हो या इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, आप उसके मुताबिक तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट पर ट्रांसफ़र करेंगे. सो वह यहीं पर रहेगा और 26 जो है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा. 4 में से -26 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -22. आई होप तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. आपके पास ये वैल्यूज गिवन है जिसमें y = -1 है. जस्ट यू हैव टू पुट y = -1 इन द प्लेस ऑफ y. 7 y की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, आप इसी तरह से लिखेंगे कि y आपको गिवन है जो कि -1 है. सो आपने y की जगह पर -1 पुट किया है. -10x - 70 एज इट इज़ ये -7 हो गया. ठीक है, -7 और -70 करेंगे तो आपके पास -77 हो जाएगा और -10x रह जाएगा. अब जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वेरिएबल हमें सिंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 77 को तो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास 77 आ जाएगा. ठीक है, हमने ये जो माइनस में था ना 10x, हमने वेरिएबल हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल जो पॉजिटिव आए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को 10x को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया ताकि हमारा वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव हो जाए. ठीक है, हम 77 को लेकर जा सकते थे लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था कि हमारा वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हम 10x को वहाँ ले गए. अब 77 यहाँ पे 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर आएगा -77/10=x. अब इसकी कटिंग तो हो नहीं सकती, तो इस वजह से यही आपका आंसर है, x = -77/10. इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है. और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं किया है तो आप, मैं इसका लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. और आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्लियर करूँगी. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.